सभी का सूत्र नौ की इस पूर्व संध्या पर आज सूत्र नौ शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयां। जो हमारा ये संक्रांति का त्यौहार निकला है, लगभग पूरे भारतवर्ष में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से त्यौहार मनाया जाता है। आशा करता हूँ आप सभी ने बहुत आनंद लिया होगा। संक्रांति पर भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुके हैं। आशा करता हूँ सभी के लिए सौभाग्य रहे, सभी के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहे और हम डॉक्टर नेचर में बहुत अच्छे करें, जैसा कि आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये महीना जा रहा है, मैं आशा करता हूँ महीने का अंत बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आज का जो सूत्र का ये कार्यक्रम नवा सूत्र का सेशन, मुख्य रूप से आप देखेंगे इस बार टॉपिक क्या है वो लिया है, तो कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं जो हमें प्रकृति माँ हमें दे रही है, जिनकी सहायता से हम लोग जो है अपने जीवन को बहुत अच्छा रख सकते हैं। उन हब्स के बारे में आप इस सेशन के तौर पर बताने का प्रयास किया जाएगा। आपकी समझ हब्स के प्रति बढ़े, आपके आसपास ये हब्स उगती हैं, इनको आप यूज में ले सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। बाकी उच्च गुणवत्ता की हर्ब्स, एक अच्छे जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हर्ब्स, डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये सब अवेलेबल है, और आप लोगों को भी इनकी पहचान होना बहुत आवश्यक है ताकि आप लोग इनके गुणों को जान सकें और लोगों को बता सकें कि किस प्रकार से ये हर्ब्स हमारे जीवन के अंदर जो है आमूलचूल हमारे स्वास्थ्य को जो है परिवर्तन ला सकती हैं, हमें एक लंबा स्वास्थ्य प्रदान कर सकती हैं, हम एक लंबी आयु जीवित रह सकते हैं, लंबी आयु तक जीवित रह सकते हैं और बहुत ही सुखी के साथ अपना जीवन स्वास्थ्य जो है अपना बना सकते हैं। तो ये जो मैं बड़ा आभारी हूँ IAS यूनिवर्सिटी का, जिसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, और आज का जो सेशन है वो हमारे IAS जो यूनिवर्सिटी है उसका जो कॉलेज ऑफ फार्मेसी है उसके डीन व प्रिंसिपल डॉक्टर गौतम जो है इसको लेने जा रहे हैं। डॉक्टर विनोद गौतम के बारे में आपको बता दूं, डॉक्टर साहब का सिर्फ एकेडमिक एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसके अलावा डॉक्टर साहब ने जो है ग्रास रूट लेवल पर काफी काम किया हुआ है। इससे पहले आप जनरल मैनेजर कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डॉक्टर साहब का जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस गाँव के अंदर लोगों से डायरेक्ट डील करने का है, तो हम निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के जो अनुभव है उसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। और जो जानकारी हमें मिल रही है, आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना कॉपी पेन लेकर के इस जानकारी को नोट करें, और जैसा कि होता है सूत्र के बाद में एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रहता है, आप अपने प्रश्न टेक्स्ट करके या आप जो है अपने आप को अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट डाल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस सेशन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विनोद गौतम को, और बहुत ही आभार के साथ कि उन्होंने समय दिया और आज का हमारा ये सेशन जो है शुरू कर रहे हैं। तो आई वेलकम डॉक्टर विनोद गौतम, आपको प्लीज वेलकम कीजिए डॉक्टर विनोद गौतम का, क्योंकि डीन प्रिंसिपल हैं IAS कॉलेज ऑफ फार्मेसी के, इसके अलावा बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस लेकर के आज हमारे बीच में उपलब्ध है। प्लीज वेलकम डॉक्टर विनोद गौतम। धन्यवाद डॉक्टर प्रीतम जी इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। सारे डॉक्टर नेचर्स की जो टीम है जो मुझे सुन पा रही है सभी, सबसे पहले उन सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां। और क्योंकि मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं लेकिन हर्ब्स में मेरा अपना एक इंटरेस्ट रहा हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं या कोशिश की है मैंने थोड़ा सा कि चीज़ें बड़ी आसान शब्दों में आपके पास पहुँचें और आपको समझ में आए, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और सोसाइटी को भी आप फ़ायदा पहुँचा पाएँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस प्रोग्राम को यहीं से शुरू करते हैं, जिसका जो पर्पस है वो बड़ा साफ है कि कैसे हम अपनी बॉडी को या अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर में डेली बेसिस पे जो भी गंदगी है या जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो रहा है और वो बाहर बॉडी से निकल नहीं पा रहा है। जो चीज़ अच्छी है वो बॉडी के अंदर जाए और रुकी रहे, और जो चीज़ बेकार है उसे हम बॉडी से बाहर निकाल पाएँ। तो इस पूरे प्रोसेस को साधारण भाषा में हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इसको हिंदी में बना पाऊँ, तो जितनी उससे हिंदी में बनी मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो इसकी हिंदी है वो बड़ी ईजी लगे, और अगर कहीं पे आपको कहीं लग रहा है कि ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस प्रेजेंटेशन के अंत में आपके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जनरली हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में जहर आता कहाँ से है, होता क्या है जहर जो हमारे शरीर में डेली बेसिस पे थोड़ा 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 इकट्ठा होता है। तो अगर हम बात करें तो शरीर में सामान्य पाचन क्रिया के दौरान
हम जो भी भोजन खाते हैं वो पूरी तरह से पच जाना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब भी हम किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला सवाल वो हमसे ये पूछता है, आपको लूज मोशन तो नहीं है, आपका पेट तो ठीक है, गैस तो नहीं बनती है, चाहे आप कोई सी भी बीमारी लेके जाओ, डॉक्टर का सबसे पहला सवाल इसी पे आधारित होगा। तो हम जब कोई भी भोजन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसका पचना तभी कंसिडर किया जाता है या माना जाता है कि अगर उसका आधा हिस्सा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता हो या अवशोषित हो जाता हो, और जो बाकी का हिस्सा है वो अपशिष्ट उत्पादों के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर ये प्रोसेस, अगर ये जो प्रोसेस है या जो सिस्टम है ये अगर प्रॉपर है तो जो भी हम खा रहे हैं उसका आधा हमें प्रॉपरली अंदर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा और आधा जो बचा हुआ पार्ट है वो निष्कासित कर दिया जाएगा शरीर के द्वारा अपने यूरिन के थ्रू या स्टूल्स के थ्रू या पसीने के थ्रू। होता क्या है कि जब हम कभी कभी बाहरी नकारात्मक प्रभाव, जैसे हम बोलते हैं बीमार खाना, जैसे रात का बचा हुआ खाना खा लिया, या कहीं शादी ब्याह में गए, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चला हुआ है, तो जैसे शादी ब्याह में चले गए, उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया था हमें नहीं पता, फिर स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जनरली गांव में या हमारे आसपास या शहरों में भी लोग स्मोकिंग को स्टेटस सिंबल मानते हैं, तो वो लगातार या तो सिगरेट पीते हैं या बीड़ी वगैरह जो भी कुछ है, शराब एक कारण हो सकता है, तनाव ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि तनाव जो है वो सारी बीमारियों की जड़ मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जो जहर प्रोड्यूस होता है उसके अंदर तनाव का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। पर्यावरण, जो लोग दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन होता है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। अस्वास्थ्यकारी आदतें, जैसे देर से उठना, लेटे हुए हैं, कहीं घूमने नहीं जाते, योग नहीं करते, कुछ भी, ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक साथ मिलती हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसे हम बोलते हैं पाचन क्रिया पे इसका अपना एक इम्पैक्ट आता है, इसका एक प्रभाव आता है, और उस वजह से हमारा शरीर जिस पर्पज़ के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, पाचन तंत्र बना है, वो पाचन तंत्र पूरी तरह से खाने को पचा ही नहीं पाता। स्वस्थ अवस्था की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जनरली आपके मन में सवाल आएगा कि अचानक डिटॉक्सिफिकेशन या शरीर से जहर निकालने का प्रोसेस या जो भी कुछ है वो इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, तो अगर हम बात करें जब हम छोटे होते हैं या नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहे होते हैं और हमारी सारी हैबिट्स अच्छी होती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर खुद को डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता है और एक दैनिक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा यूरिन टाइम पे आता है, टॉयलेट टाइम पे आता है, लेटरिन टाइम पे आती है या और भी कुछ, तो वो लगातार एक प्रोसेस है जिसमें हम बेकार चीज़ों को अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल परफेक्टली स्वस्थ रहता है और हम बड़े अच्छे से खाने को भी इंजॉय करते हैं। हमारे भोजन का लगभग एक तिहाई हिस्सा पूरी तरह से पचता है, अगर हम बीमार वाली परिस्थिति की बात करें तो एक तिहाई हिस्सा पूरी तरह से पचता है और पोषक तत्वों के रूप में अवशोषित होता रहता है, बाकी भोजन में से अन्य एक तिहाई हिस्से को पूरी तरह से पचाया जाता है और अपशिष्ट उत्पादों के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अभी भी भोजन का लगभग एक तिहाई हिस्सा बचा हुआ है जो कि आधा पचने की स्थिति में है, इस वजह से इसे पोषक तत्वों या अपशिष्ट उत्पादों के रूप में पहचाना ही नहीं जा सकता, इसलिए इसे न तो अवशोषित किया जाता है और न ही बाहर निकाला जाता है। इसका मतलब कि अगर हमारी आदतें खाने को लेके या हम खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं तो आप ये मान के चलो लगभग एक तिहाई हिस्सा खाने का हमारे शरीर में लगातार ऐसा मेंटेन रहेगा जो न तो पच रहा होगा और न वो बाहर निकल रहा होगा, और उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं कि जो भी चीज़ उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर रुकी हुई है उसको बॉडी समझ ही नहीं पा रही कि इसका करना क्या है, और वो उस कंडीशन में हमारे लिए जहर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जहर जो है वो बेसिकली वो जहर नहीं है कि हमने बाहर से किसी को दिया है, हमारा खाना ही हमारे लिए जहर बन जाता है, एंड उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, साइंटिफिक भाषा में उसको बोलते हैं टॉक्सिन। तो आयुर्वेद की अगर मैं बात करूँ तो आयुर्वेद में ऐसे इसको बोला जाता है आम, और किसी भी बीमारी के पहले चरण को कभी कभी आमा भी कहा जाता है। तो ये आहों का जो शरीर से पूर्णतः निष्कासित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब, ये जो स्लाइड बनाई है, स्लाइड का पर्पज बड़ा साफ है कि हमें ये समझ में आए कि हमारे शरीर में जहर आखिर खाने से आता कैसे। तो जो भी खाना ना तो पचा और ना वो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी उस खाने को लेकर कन्फ्यूज हो गई है और उस सिचुएशन में
वो खाना जो था वो खाना ना होके हमारे लिए जहर का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जिनको पढ़ के या जिनको बारे में आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये इंग्लिश में है क्योंकि मेरे लिए हिंदी टाइप करना थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। आप पेपर और पेन साथ में रखिएगा। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर लगातार एक डिटॉक्स प्रोसेस में लगा रहता है। डिटॉक्स प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया, शरीर से जहर को निकालना। हम कुछ भी सूंघते हैं, हम कुछ भी एब्जॉर्ब करते हैं हमारी स्किन के थ्रू, या हम कुछ भी निगलते हैं, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये सब लीवर में जाता है। कहाँ जाता है? लीवर में। लीवर जो है हमारा 24 घंटे 365 दिन साल में लगातार काम करता ही रहता है, ये रुकता ही नहीं है कभी भी। और इसका काम जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये होता है कि जो लीवर है वो जितना भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हुआ है उसको वो पानी में सोल्यूबल हो जाए ऐसे में कन्वर्ट करता है। जब वो पानी में घुलने के लायक मटेरियल हो जाएगा तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, या वो हमारी आंतों में जाएगा और बड़ी इंटेस्टाइन से वो बाहर चला जाएगा, ताकि हमारा जो शरीर है वो विष रहित या जो टॉक्सिन हमारे शरीर में डेवलप हुए थे या पैदा हुए थे उनको बाहर निकाला जा सके। तो लीवर का काम है ये। अगर हमारे शरीर, इसीलिए बोला जाता है कि अगर लीवर खत्म तो खेल खत्म। तो आपने देखा होगा जॉन्डिस में लीवर कमजोर हो जाता है, तो शरीर को ये बोला जाता है या पेशेंट को बोला जाता है कि कुछ भी भारी मत खाना, बिल्कुल नॉर्मल उसको ऐसी ठंडी चीजों पे रखा जाता है जो आसानी से पच जाए। जिसपे लीवर पे जोर आ जाए उस काम को हम कभी भी या उस चीज को हम खाते नहीं। तो जॉन्डिस का मतलब ही लीवर की बीमारी होती है। अगर हम बात करें कि डिटॉक्स प्रोग्राम की, तो आप चाहे डिटॉक्स प्रोग्राम को ऑप्ट करो, मतलब उसको स्वीकार करो या मत करो, आपकी बॉडी नेचुरली उस पर लगातार काम करती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी बॉडी को अच्छी आदतों के साथ लगातार मेंटेन करके चलना है। अगर आपने अच्छी आदतों के साथ अपनी बॉडी को रखा, आपकी डाइट अच्छी है, आपका खान पान अच्छा है, आपकी सुबह मतलब जो आपकी हैबिट्स हैं, आदतें हैं वो अच्छी हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपकी बॉडी लगातार खुद ही ऐसे केमिकल्स को बॉडी में अपनी स्टोर होने नहीं देगी और आप अपने आप ही डिटॉक्सिफाई होते चले जाओगे। जितना आप डिटॉक्सिफाई करोगे खुद को उतने ही अच्छे आपके ऑर्गेन काम करेंगे। ऑर्गेन का मतलब है आपके जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी के, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, दिमाग हो गया, पेट हो गया, आंतें हो गई, कितनी भी चीजें, ये सब प्रॉपरली काम करेंगी अगर हम नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को अच्छी हैबिट के साथ में मेंटेन करके चलते हैं। तो उस टाइम पे आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, लगभग हर 5 में से एक जो अर्ली डेथ, अर्ली डेथ का मतलब होता है टाइम से पहले, टाइम का मतलब होता है जैसे बुढ़ापा आता है बुढ़ापे के बाद आदमी को मरना ही होता है, लेकिन बुढ़ापे से पहले जो मौत होती है उनमें हर 5 में से 1 मौत जो है वो इसीलिए होती है कि हम या तो खाना बेकार खाते हैं या हम उस खाने को बाहर जो उसमें खाने में जो टॉक्सिन है, जो जहर प्रोड्यूस हुआ है उसको बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि खाना जो है वो बेहतर हो, खाना इस तरीके का हो कि आप जब उसको खाएं तो वो आपकी बॉडी में पचे। दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है या सबसे बड़ा जो रोल है हमारे खाने को लेके वो है एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक बनाने का तरीका ही ऐसा है कि उसमें हैवी मेटल आएगा ही आएगा, और जब हैवी मेटल आएगा तो हमारी बॉडी के लिए हैवी मेटल किसी काम का नहीं है, तो वो क्या करेगा, खून में घूमता रहेगा। जब वो खून में घूमेगा तो किसी ना किसी सिस्टम में जाके चिपकेगा, और जब सिस्टम में जाके चिपकेगा तो उस सिस्टम का काम करने का जो मेथड है, जो तरीका है, उसके ऊपर उसका प्रभाव आएगा। फाइनली आपके या जो जो पेशेंट है या कंज्यूमर है उसकी बॉडी के अंदर वो हैवी मेटल कोई ना कोई ऐसा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा कि धीरे 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 वो बीमारी में कन्वर्ट होता है और फाइनली आदमी बीमार हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो खून के साथ साथ दौड़ता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, साइंटिफिक वर्ड है। आपको वर्ड में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी वेस्ट मटेरियल को लेती कैसे है। तो खून के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम भी लगातार काम करता है, कि जितने भी हमारी कोशिकाओं में वेस्ट मटेरियल है जो योग्य नहीं है पचने के और बेकार है, वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो बाहर आता जाएगा। लेकिन इस सिस्टम की एक ही कमी है कि ये दिमाग के ऊपर काम नहीं करता, ये दिमाग में जाके सफाई नहीं करता कोशिकाओं की। जब ये दिमाग में जाके सफाई नहीं करता तो क्या होता है,
कि जब हम परफ्यूम लगाते हैं या कोई पाउडर लगाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें इनहेल करते हैं जो चीज़ें मेटल्स या हेड या मतलब लंग्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं, दिमाग को इफेक्ट डाल सकती हैं, उन सारी चीज़ों में अगर वो केमिकल सिंथेटिक्स हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी सरदर्दी ये है कि उनको ये लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा काम करना चाहिए था वो भी क्लियर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि दिमाग के अंदर से हमारा नेचुरल तरीका भी डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता। इसलिए बोला जाता है कि जो केमिकल्स वाले परफ्यूम्स हैं या केमिकल्स वाले जो फ्लेवर्स हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका ये माना जाता है कि योग करें, अच्छी ब्रीदिंग लें, और उससे क्या होता है कि जब आप योग करेंगे और ब्रीदिंग लेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो अच्छी ऑक्सीजन अपने साथ में हमेशा जितना भी इम्प्योर है मतलब अशुद्ध खून है उसमें से जो बेकार चीज़ें उनको अपने साथ लेती जाएगी, फेफड़ों में लेके आएगी, फेफड़ों से वो CO कार्बन डाइऑक्साइड या और गैसों की तरह बाहर चली जाएगी और आपके दिमाग के अंदर जो गैस या जो भी केमिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं वो सारे के सारे केमिकल्स रुक जाएंगे, आपको उसमें फायदा होगा। किसी ने कोई क्वेश्चन हैंड रेस किया था, शायद कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि मैं बाद में अपन इसके आगे चलेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना मुझसे? एक मिनट का पोज दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, किसी का कोई सवाल हो। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइड। अगला सवाल वापस से आता है कि आखिर हम आर्टिफिशियल यानी कि अप्राकृतिक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करें क्यों? तो मैंने आपको बता दिया प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन जो बॉडी करती है उसकी अपनी लिमिटेशंस है कि अगर जहर का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए बॉडी में तो नेचुरल तरीका जो है वो फेल हो जाता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम डिटॉक्सिफिकेशन आर्टिफिशियल तरीके से करें। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन क्यों करना है वो समझाया जाए। तो डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो शरीर को जहरीले वेस्ट से बचाने के लिए किया जाता है। तो अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में समझने की या समझाने की कोशिश करूं तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब बड़ा साफ है, ऐसा तरीका जिससे शरीर को जहरीले वेस्ट पदार्थों से बचाया जा सके। इट एज इन स्ट्रेंथनिंग, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है, हमारी स्किन को एनर्जी देता है, हमारी स्किन में ग्लो लेके आता है, मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है मतलब हमारा दिमाग जो है वो तेज होता है, शार्प होता है, क्योंकि आपके ऊपर दिमाग के ऊपर कोई जबरदस्ती का हैवी मेटल या कोई भी वेस्ट वहां पर घूम नहीं रहा है, तो आपका दिमाग जो है वो खुल के काम करेगा, अच्छा काम करेगा। और इसके अलावा और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आप डिटॉक्सिफिकेशन करके पा सकते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन से एक और चीज़ होती है कि आपकी लाइफ में जो भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम चल रही होंगी उनमें मान के चलो कि 50% रोल इस टॉक्सिन का है, इस जहर का है जो हम डेली खा रहे हैं और अपने को समझ में ही नहीं आ रहा। जब हम खाना खाते हैं तो हमें लगता है हम सिर्फ खाना खा रहे हैं, लेकिन उस खाने के साथ में यूरिया के कुछ पार्टिकल्स जाते होंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड लोग छिड़कते हैं तो हैवी मेटल्स भी जाता होगा, काफ़ी बचने के बाद भी आप एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, हवाओं में ही मतलब धुआं घुला हुआ है, तो आप कहाँ तक बचोगे? इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन आज के टाइम पे हमारी मजबूरी है। हमें अपने आप को अगर स्वस्थ रखना है लंबे टाइम तक तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये तरीका आपको तथा आपके शरीर के फंक्शंस को अच्छा बनाए रखने में आपकी मदद करता है। तो इसलिए अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को जानते हैं या समझेंगे तो आप ये मान के चले 50% आपकी जो बीमारियां हैं या जो आने वाले टाइम की लोगों की बीमारियां हैं उनको आप रोक पाएंगे, उनको आप थोड़ा टाइम के लिए और बढ़ा पाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को अच्छे से समझें और क्यों जरूरी है, कैसे किया जाता है, इसको भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बेनिफिट्स मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, बॉडी के जहरीले पदार्थों को निकालने में हेल्प करता है, और इनफैक्ट अगर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सही तरीके से किया जाए तो बॉडी वेट का जो एक प्रोसेस है कि वजन बढ़ रहा है जी, वजन कम नहीं होता, उसमें भी ये हेल्प कर सकता है। तीसरा यह है कि बॉडी एनर्जेटिक फील करती है, बॉडी में नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब में से कचरा बाहर निकाल दिया गया है तो सारे सिस्टम बढ़िया काम करेंगे। जैसे हम कार को सर्विस पे लेके जाते हैं, जब हम कार की सर्विस नहीं कराते हैं और कई हजार किलोमीटर कार को चलाते हैं तो कार का इंजन हेवी हो जाता है,
तो जैसे हम सर्विस कराने के लिए जाते हैं, उसका ऑयल वगैरह सब चेंज होता है, तो कार एकदम से वापस वैसी हो जाती है जैसे नई जैसी फील आती है। तो इसलिए बॉडी एनर्जाइज फील करती है, स्किन ग्लो में आपकी हेल्प करता है, मेंटल हेल्थ मैंने आपको बता ही दिया कि दिमाग के अंदर जो भी जितनी भी चीज़ों के तरह के कचरे भरे हुए हैं उनको बाहर निकाल के लाने में हेल्प करता है। तो जब दिमाग अच्छे से काम करेगा और अननेसेसरी की जो चर्बी चढ़ जाती है, चर्बी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर अननेसेसरी की, उन सब में भी आपकी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट प्लीज, अगर मैं बात करूँ कि ऐसी कौन सी हर्ब्स है जो डिटॉक्सिफिकेशन में काम में आती है, तो देर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ हर्ब्स, कई सौ हर्ब्स हैं या कई सौ औषधियाँ हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन में काम आती हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऐसी सेलेक्टेड औषधियों के बारे में बात करेंगे जो औषधियाँ आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो इतनी ज़्यादा काम में आ चुकी हैं कि कहीं ना कहीं आपने उनके बारे में सुना जरूर होगा। तो उस तरह की चार औषधियाँ या चार तरह की प्रिपरेशन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जिनको यूज करके हम नेचुरली अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। आप इन चार के नाम आपके सामने हैं। पहला है धनिया या सिलेंट्रो, जो हम घर में अपने किचन में काम में लेते हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे चटनी हो, या और भी कई तरीके से हम खाते हैं। मिल्क थिसल सिलीमेरिन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी ज़्यादा काम में ली जाने वाली मेडिसिन है, और आपको आश्चर्य होगा, खुशी भी होनी चाहिए कि ये एकमात्र ऐसी हर्ब है, ऐसी औषधि है जिसको डॉक्टर लिखने में गुरेज नहीं करता, वो इमीडिएटली लिखता है इसको कि लीवर की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो सिलीमेरिन लिखने में पसंद करता है, या सिलीमेरिन दे दो ये ठीक हो जाएगा। तीसरा जो है वो है त्रिफला, आप सब जानते हैं त्रिफला के बारे में, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो इंडिया में पैदा हो और 20-25 साल की एज तक पहुंच जाए और त्रिफला का उसने नाम ना सुना हो। और एक है बिच्छू बूटी, जिसको हम बोलते हैं स्टिंग नेटल। तो ये चार ऐसी औषधियां हैं जिनको हम जानते हैं या ये बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन में इनका बहुत बढ़िया रोल है। आप जब इनको यूज़ करेंगे या किसी को यूज़ करने की सलाह देंगे तो इसका अंतर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर्ब्स की बात कर रहे थे, तो अगर हम कंटिन्यूएशन में इसकी बात करें तो सबसे पहला मैंने बताया धनिया। तो धनिया जो है पुरानी हर्ब है, औषधि है, जिसका कई सालों से हम उपयोग में लाते रहे हैं। जब रोम का शासन था तब से लेके अब तक, रोम के शासन को इस इतिहास में जो इतिहासकार है वो सबसे पुराना और काफ़ी सुदृढ़ शासन मानते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि रोम वाले जो लोग थे वो बड़े एडवांस थे, ऐसा इतिहास मानता है जो नई एज वाला है। इज नो डाउट कि जो हमारा कल्चर है वो सबसे पुराना है, बट स्टिल जो इतिहासकार है वो इसको सबसे पुराना मानते हैं। तो रोम के शासन से लेके अब तक हम किसी ना किसी प्रकार से इस धनिया को यूज में लेते रहे हैं, चाहे सब्जी में हो या सलाद में हो या चटनी में या किसी भी और तरीके से। लेकिन ये हमारे खान पान की एक विशेष एवं प्रभावकारी औषधि भी है और स्वाद बदलने वाली चीज़ भी है। आयुर्वेद की अगर मैं बात करूँ तो ये पित्त दोष को बैलेंस करने में काम आता है। पित्त दोष आप सभी जानते होंगे, क्योंकि सूत्र वन में आप या सूत्र दो में भी आप काफ़ी आयुर्वेद के लोगों से मिले हैं। क्योंकि मैं आयुर्वेद से नहीं हूँ तो डॉक्टर प्रीतम जी आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पित्त दोष जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, पाचन क्रियाओं से रिलेटेड है। तो पाचन क्रियाओं को अच्छा बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में धनिया का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। धनिया का काम क्या है जी, कि धनिया जो है जब हम खाते हैं तो वो इस तरीके के पदार्थों में टूटता है कि वो पदार्थ जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि जो खून के साथ बहते हैं, तो उस खून में बहने वाले जितने भी हैवी मेटल्स हैं उनके साथ चिपक जाता है। वो जो पदार्थ खून के साथ, खून के अंदर बहने वाले पॉइजनस या टॉक्सिक मटेरियल में चिपकता है, तो वो क्या करता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। तो अभी जो खून के अंदर हैवी मेटल घूम रहे थे, जो भारी तत्व या जो पॉइजन घूम रहा था, जहर घूम रहा था, उसके साथ धनिया ने क्या किया, धनिया ने अपना एक लिंक बना लिया। तो जैसे धनिया उससे चिपकेगा तो वो पदार्थ जो है वो खुला नहीं रहेगा, अब वो धनिया के साथ चिपक गया हुआ है, और वहां से वो या तो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा यानी कि पेशाब के थ्रू, या वो टॉयलेट के थ्रू या लेटरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। इस तरीके से धनिया जो है खून की सफाई करने में काम आता है और खून में से हैवी मेटल्स को निकालता है, तथा साथ ही जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रक्रिया है, वो जब कमजोर होती है उसमें भी धनिया उस पाचन प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो ये उसके अलावा धनिया आपको सबको पता होना चाहिए हरा पत्ता है, इसका मतलब है कि इसमें ग्रीन कलर होगा, हरा कलर होगा,
और जितने भी कलर वाले मतलब हम फसलों की बात करें या औषधियों की बात करें या हम सब्जियों की बात करें, वो सारी की सारी एंटीऑक्सीडेंट की रिच सोर्स मानी जाती है। दूसरा, डाइजेशन में धनिया हेल्प करता है। स्ट्रेस कंडीशन में भी अगर आप धनिया का डेली यूज करते हैं तो आपकी बॉडी, आपके शरीर की स्ट्रेस से या टेंशनों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। लीवर, मैंने आपको बताया, लीवर में सारे जहर जो है वो लीवर में जाके ही पचते हैं, तो लीवर को ये लगातार साफ करने का काम करता है। उसके अलावा हार्ट हेल्थ, हार्ट की हेल्थ के लिए बढ़िया काम करता है। ब्लड शुगर में इसका बढ़िया रोल है। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। धनिया आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि धनिया के क्या क्या यूज हो सकते हैं, धनिया किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, सेकंड जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा डॉक्टर के द्वारा हर कोई प्रिस्क्राइब की जाती है या लिखी जाती है, तो वो सिलीमरीन है। कोई भी लीवर का पेशेंट है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में सिलीमरीन को जरूर खा रहा होगा। तो दूसरी हर्ब यही है जिसको हम बोलते हैं दूध पत्र। आयुर्वेद में ये हर्ब लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, या गॉल ब्लेडर में पत्थर आ गया उसकी बीमारी है, या लीवर को बचाने का काम करती है। हम इसको अगर शुद्ध शब्दों में बोलें तो लीवर में अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो सिलीमरीन जो मिल्क थिसल है या दूध पत्र है, ये उस लीवर में से उस बीमारी को दूर करने का काम करता है और लीवर को ताकत देता है ताकि वो अपना काम ढंग से कर पाए। तो जनरली ये देखा होगा, देखा जाता है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, या जिनका लीवर या पाचन तंत्र कमजोर है, तो खाना तो उनको भूख तो बहुत लगती है पर शरीर को खाना नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि लीवर उनको उस तरीके से बदल नहीं पा रहा जिस तरीके से वो हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते। तो हमारा पेट तो ठीक काम कर रहा था, स्टोमक तो ठीक काम कर रहा था, लेकिन लीवर कमजोर है। उस केस में भी आपने देखा होगा कई लोगों का वजन नहीं बढ़ता, वो खाते तो बहुत है। तो लीवर को अगर आप तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो सिलीमरीन जो है वो बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये डिटॉक्सिफायर बहुत बढ़िया है। तो लीवर में जितना भी डिपॉजिट हो रखा है, कचरा इकट्ठा हो रखा है, उस सारे कचरे को ये लीवर से बाहर निकालता है। उसके साथ साथ ये लीवर को ताकत देता है। इसके अलावा अगर मैं सिलीमरीन की बात करूँ तो शुगर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है उसको, डाइजेशन के लिए तो ये है ही सही, और दिमाग से संबंधित जो कंडीशन होती हैं उनमें भी इसका बहुत बढ़िया रोल है। तो सिलीमरीन, मॉडर्न साइंस भी सिलीमरीन को बहुत ज़्यादा मानती है और आयुर्वेद भी सिलीमरीन को मानता है, स्पेशली जब बात लीवर की हो। नेक्स्ट प्लीज। ये बड़ी कॉमन और बड़ी इंटरेस्टिंग हर्ब्स है, त्रिफला। नाम से ही मालूम पड़ता है कि इसमें तीन फल हैं जिसमें से एक आंवला होना है, एक हरड़ होनी है और एक बहेड़ा होना है। तीनों फल का एक पर्टिकुलर रेशियो में बनाया जाता है कि किस रेशियो में क्या मिलाया जाए। उस रेशियो में अगर मैं बात करूं तो हरड़ होती है एक पार्ट, विविध की होती है दूसरा पार्ट, और आंवला होता है तीसरा पार्ट। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो मिलाया जाता है वो है आंवला, और उसके बाद विविध की यानी कि बहेड़ा और हरड़ जो है वो एक एक पार्ट मिलाई जाती है। इससे बनने वाले चूर्ण को एक्चुअल में हम त्रिफला कहते हैं। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है शायद? जी बताएं। हाँ, आई थिंक कनेक्ट नहीं हो पा रहा मैं उनसे। चलो बाद में आप कर लीजिएगा कनेक्ट करके उनसे, मुझे बात जो भी क्वेश्चन है कोशिश करूंगा कि उनको आंसर दे पाए एक बार ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। अगर मैं बात करूं कि आंवला और इंडियन गूसबेरी, या आंवला जो है ये बड़ा कॉमन फ्रूट है, हम सभी जानते हैं। मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसा होगा जो आंवले के बारे में ना जाने। आंवला लीवर को भी अच्छा रखता है और इम्यून सिस्टम के लिए तो आपने कोविड में देखा ही होगा या सुना ही होगा कि डेली आंवला खाना चाहिए। अगर आप डेली आंवला खाते हैं लीवर के फंक्शन बढ़िया रहेंगे और आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगी। तो आंवला जो है वो ऐसा एक फ्रूट है या ऐसा एक फल है जो तीनों दोषों को बैलेंस करता है। विभिद की, जिसको हमने बताया बहेड़ा, ये हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र। जब भी हम कोई चीज बाहर से लेते हैं या वायु प्रदूषण या जब हम सांस लेते हैं तो हर चीज हमारी पहले जहां पे जाती है वो है फेफड़े।
हमारे फेफड़े में सबसे ज्यादा टॉक्सिन भरे होते हैं, सबसे ज्यादा जहर भरा होता है। उसका रीजन है कि जितना भी पोल्यूशन बाहर है वो सारा का सारा हम सूंघ रहे हैं, और जब हम सूंघते हैं तो वो हमारे सबसे पहले कहाँ पे इकट्ठा होगा? फेफड़ों में। जब वो फेफड़ों में इकट्ठा होता है तो उसको निकालना कैसे? अगर हम उसको निकालेंगे नहीं तो फेफड़ों की तो एक कैपेसिटी है, एक टाइम के बाद में फेफड़े हमारे बोल जाएंगे। तो अगर हम बहेड़ा की बात करें तो बहेड़ा का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है कि वो श्वसन तंत्र में फंसे हुए जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो आंवला हेल्प करता है लीवर में भी और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में, ताकि हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को और जो भी हानिकारक चीज़ें उनसे लड़ पाए, तो हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कम से कम वजन आए। और जो बहेड़ा है वो आपको मैंने भी बताया कि श्वसन तंत्र के अंदर जितने भी जो हमारे फेफड़े हैं उनको क्लीन करने का काम करता है, उनको साफ करने का काम करता है। और अगर मैं हरड़ की बात करूं तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ आप लोग जो बैठे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं उनको सबको पता होगा कि हरड़ ज़्यादा खाने से दस्त लग जाते हैं, और दस्त का मतलब ये नहीं होता कि वो नुकसानदायक है। अगर आप हरड़ की वजह से आपको दस्त लग रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि उसका काम है कि वो आंतों को साफ कर रहा है। तो हरड़ जो है वो काम में आती है हमारे आंतों को साफ करने में, जो हमारा बहेड़ा है वो काम आता है फेफड़ों को साफ करने में, और आंवला मैंने आपको बताया लीवर को भी साफ करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करता है कि हम बाहर से आने वाली कई सारी चीज़ों से लड़ पाए। तो त्रिफला अपने आप में इतना सक्षम है कि वो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। इसमें इसका जो चूर्ण है वो जितने भी हमारे बॉडी शरीर हमारे शरीर के अंदर डेड सेल्स हैं, क्योंकि सेल कोशिकाओं की जो उम्र होती है वो पर्टिकुलर 28 दिन की या 30 दिन की होती है, वो दोबारा पैदा होती हैं, दोबारा मरती हैं, और ये लगातार तब तक चलता रहता है जब तक हम जिंदा रहते हैं। तो जो डेड सेल्स हैं उनको निकालने में, ये जो मरी हुई कोशिकाएँ हैं उनको निकालने में भी ये हेल्प करता है। उसके अलावा ये हमारी स्किन को ग्लो यानी कि उसको चमकती दमकती बनाने में हेल्प करता है। खुद ये एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि तीनों ही फल जो इसमें डले हुए हैं वो रिच एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, जो हमारे आंतों को अच्छा रखते हैं, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम त्रिफला का एक बढ़िया सा कॉन्सेंट्रेट बनाएं, एक ड्रिंक बनाएं और उसको डेली सुबह खाली पेट पिए, तो हमें काफ़ी अच्छे टाइम तक जो हमारे खाने के थ्रू हमें जहर मिलता है या जहर हमारी बॉडी में बनता है उससे निजात मिल सकती है। हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को हल्का कर सकते हैं, एनर्जेटिक फील करा सकते हैं, एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूं डेली कंज्यूमशन ऑफ त्रिफला, तो अगर डेली का जो त्रिफला का कंज्यूमशन है तो वो अगर करेंगे तो आप ब्लॉकेज रिड्यूस होंगे, कई सारी चीज़ें रिस्टोर होंगी, कई सारे जो जहर हैं उनको निकालने में वो हमारी हेल्प करता है, और ऐसे कई और एडवांटेजेस हैं जो त्रिफला से हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये लास्ट बट बहुत इम्पोर्टेंट हर्ब है, इसको बोलते हैं नेटल स्टिंग। ये अगर मैं बात करूँ इसको बिच्छू बूटी बोला जाता है जनरल भाषा में। ये लोग पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे कि जिन लोगों को जोड़े का दर्द होता था, जोड़ का जो दर्द होता है जिसको हम आर्थराइटिक बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो वो फ्रेश यानी कि ताज़ा टूटी हुई जो मतलब बिच्छू बूटी होती थी उसको वो लोग जहाँ पे भी आर्थराइटिक पेन होता था या जोड़ों का दर्द होता था उस जगह पे उस प्लांट से मारते थे। तो उस जगह उसमें उस प्लांट के ऊपर जैसे मधुमक्खी के डंक होते हैं वैसे पार्ट बने होते हैं, वैसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं उस एरिया को लगातार जब वो उस पर मारते हैं तो वहाँ पे जो हमारा बॉडी का हमारे शरीर का प्रतिरोधक सिस्टम है, प्रतिरोधक तंत्र है, वो वहाँ पे जाता है और उस जगह पे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी नसें जो होती है खुल जाती हैं, तो हमें दर्द की कम या दर्द की अनुभूति जो होती है वो कम हो जाती है। और इस तरीके से वो कई सारी और चीज़ों में भी काम में आता है। अगर मैं डिटॉक्सिफिकेशन की बात करूँ तो ये जो नेटल स्टिंग है या बिच्छू बूटी है ये होता है डाययूरेटिक। डाययूरेटिक ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके पेशाब के फ्लो को बढ़ा देते हैं, यानी कि आपको बार बार पेशाब आएगा। तो जब भी पेशाब आएगा पेशाब क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर से जहरीले पदार्थों को निकालने का काम करेगा। दूसरा ये कि आपकी बॉडी के अंदर अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जिन लोगों के बीपी बढ़े हुए होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उन लोगों को डाययूरेटिक दिया जाता है ताकि
जो एसिड और जो उसका सोडियम पोटेशियम बैलेंस है, जो मिनरल का बैलेंस है, वो लगातार मेंटेन रहे। तो जब सोडियम ज्यादा बाहर निकल जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो जो पेशाब को बढ़ाने वाली दवाइयां हैं वो जहर को या डिटॉक्सिफिकेशन करने में काम में आती हैं। तो नेटल स्टिंग या बिच्छू बूटी जो है वो नेचुरली इस प्रोसेस को करता है। इसके अलावा ये एक आयरन का अच्छा सोर्स हो सकता है या है। पोटेशियम इसमें अच्छा होता है, वाइटामिन सी होता है और अदर मिनरल्स होते हैं। तो एक तो ये जहर को बाहर निकाल ही रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है कि मिनरल्स का जो लॉस होना है या लॉस हो सकता है या लॉस होता है बॉडी में, उसको भी ये लगातार मेंटेन करता है। तो अगर डेली नेटल वाली चाय पी जाए तो बॉडी से जितने भी तरह के टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में डेली हमें मिल रहे हैं खाने के थ्रू या एनवायरनमेंट के थ्रू या पानी के थ्रू, ये सारे के सारे टॉक्सिन निकाले जा सकते हैं डेली बेसिस पे। और हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीले पदार्थ हैं वो कहीं पे भी स्टोर होने में ये उसको विरोध करेगा, यानी कि ये स्टोर होने ही नहीं देगा और लगातार हमारी बॉडी जो है वो अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा हे फीवर आपने सुना होगा शायद या पता नहीं, जब हम गेहूं काटते हैं तो गेहूं के टाइम पे या धानों धान के टाइम पे एक एलर्जी जैसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है लोगों को, या कई बार एक मतलब टेम्परेचर वगैरह फ्लक्चुएट हो जाता है, बुखार आ जाता है। उस तरह की चीज़ों में, अस्थमा में और भी कई एलर्जिक रिएक्शंस में ये जो नेटल स्टिंग है ये काम आता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन तो ये कर ही रहा है, साथ साथ आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है कि आपको एलर्जी से बचाया जा सके। और इसके अलावा ये बॉडी के अंदर मिनरल्स के लेवल को बढ़ाता है, लेके आता है, मेंटेन करता है। तो ये आपको जो चार ड्रग्स थी ये मैंने आपको बताई, तो मेरी प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ।